तो क्या हाल है सबके? होप करता हूँ यार सारे मस्त होंगे और अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ आपका भाई जयेश और आज हम बात करने जा रहे हैं हुंडई i20 N लाइन के बारे में। तो जैसा कि यार यहाँ पर हर एक ब्रांड अपनी कार को लॉन्च एंड रिवील कर रहा है, तो यहाँ पर हुंडई ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ और यहाँ पर हुंडई ने अपनी i20 का N लाइन वर्जन को रिवील कर दिया है और बहुत ही जल्द हम इस गाड़ी की बुकिंग भी करा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स को कवर करेंगे, जैसे कि इसके एक्सटीरियर, इसके इंटीरियर, इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, इसके सेफ्टी फीचर्स और साथ ही साथ इसके प्राइस पॉइंट को भी हम कवर करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस गाड़ी की हम बुकिंग कब से करा सकते हैं। तो भाई लोग मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड सारी अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर लेके आता रहता हूं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के करते हैं जय श्री गणेश। तो गाइज यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में कि हमें एक्सटीरियर से फ्रंट में, रियर में, साइड में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल i20। तो यहां पर यार i20 N लाइन वर्जन में हमें काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहां पर काफी ज्यादा यू नो एलिमेंट्स को यूज किया गया है, रेड एलिमेंट्स को यूज किया गया है गाड़ी को एक स्पोर्टी एंड अपीलिंग लुक प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर मैं फ्रंट से बात करूं तो हमें सबसे पहले जो नजर जाएगी गाड़ी की वो जाएगी बंपर के ऊपर। बंपर यहां पर मैं पूरा रेड कलर का दिया गया है जिससे कि इसके लुक को काफी ज्यादा स्पोर्टी एंड काफी ज्यादा अपीलिंग प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें थोड़ी सी ग्रिल भी चेंज देखने को मिल रही है, ब्लैक एंड ग्लॉसी ग्रिल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके ऊपर ग्रिल पे हमें एन लाइन की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी जो कि एक चेंज होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल i20। और अगर मैं बात करूँ साइड से तो साइड से हमें यहाँ पे अलॉय भी चेंज देखने को मिलेंगे। साइज में कोई चेंज नहीं होने वाला है, साइज इसका 195/55 R16 का होने वाला है, बट यहाँ पे हमें डिजाइन चेंज मिलेंगे यहाँ पे जो कि काफी अट्रैक्टिव एंड काफी प्रीमियम लग रहे हैं। और यहाँ पर एक मेजर चेंज किया गया है, यहाँ पर हमें अलॉय व्हील्स में, फ्रंट के दोनों अलॉय व्हील्स में रेड कैलिपर भी देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमें चारों अलॉय में डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं जो कि एक सेफ्टी पॉइंट को ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और अगर आप साइड के फेंडर्स में देखेंगे तो यहाँ पे हमें एन लाइन की बैजिंग भी फेंडर्स में अवेलेबल हो जाएगी इस गाड़ी में। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में बम्पर, तो ये पूरी ऑल द वे एंड तक जाती है साइड में रेड कलर का जो बॉडी किट हम बोल सकते हैं इसको, तो ये रेड कलर की बॉडी किट हमें पूरी A to Z गाड़ी के सराउंड में देखने को मिलने वाली है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है। पीछे के अलॉय व्हील्स में हमें दोनों में ही डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, बट यहाँ पे हमें रेड कैलिपर नहीं मिलेगा जो कि हमें आगे के दोनों टायर्स में अवेलेबल हो जाता है। अगर मैं रियर से बात करूं तो रियर प्रोफाइल में गाड़ी में ज्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं जैसे कि इसका स्पॉइलर चेंज कर दिया गया, स्पॉइलर पूरी तरह से चेंज है एज कंपेयर टू नॉर्मल i20। और अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं एनलाइन की बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी पीछे, और साथ ही साथ यहाँ पे एग्जॉस्ट को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। ये सिर्फ दिखाने के लिए चेंज नहीं किया गया, इसके एग्जॉस्ट साउंड में भी काफ़ी चेंज है, तो इसका एग्जॉस्ट साउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है एंड काफ़ी ज़्यादा लाउड है। तो ये चेंजेस किए गए हैं गाड़ी के ओवरऑल एक्सटीरियर में, फ्रंट, रियर एंड साइड प्रोफाइल में। तो ये कुछ बात होगी एक्सटीरियर की। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और बात कर लेते हैं कि इंटीरियर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं इस अपकमिंग i20 N लाइन वर्जन में। तो गाइज अगर मैं इंटीरियर की बात कर लूँ कि इंटीरियर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो जैसे ही आप इंटीरियर में एंटर करेंगे तो सबसे पहले नजर जाएगी आपके इसके रेड एलिमेंट्स पे। यहाँ पे काफी ज्यादा रेड एलिमेंट्स को यूज किया गया है, रेड इंसर्ट कराए गए हैं इस गाड़ी के पूरे इंटीरियर में। गाड़ी का इंटीरियर जो है वो टोटल ब्लैक एंड रेड दिया गया है जो कि इसके स्पोर्ट थीम को कैरी फॉरवर्ड करता है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफी सारे रेड इंसर्ट मिलेंगे, जैसे कि इसके आपको एसी वेंट में रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, इसके गियर नॉब में रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, चारों डोर कुशंस में भी आपको रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे, एंड इसके सीट कवर्स में भी आपको रेड इंसर्ट देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी प्रीमियम लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक रेड एम्बिएंट लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में i20 N लाइन वर्जन में। और अगर मैं बात करूँ चेंजेस की तो यहाँ पे हमें स्टेयरिंग भी चेंज देखने को मिलेगा i20 के कंपेयर से। यहाँ पे हमें स्टेयरिंग में भी N की बैजिंग मिलेगी जो कि कैरी करती है वही N लाइन वर्जन। और साथ ही साथ यहाँ पे हमें गाड़ी में वॉइस असिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा जो कि एक नया फीचर है इस i20 N लाइन वर्जन में। स्टेयरिंग में आपको पैडल शिफ्टर भी देखने को मil जाएगा जैसा कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ IMT एंड DCT में आने वाली है। तो यार यही कुछ फीचर्स हैं जो कि चेंजेस किए गए हैं इंटीरियर वाइज, और बाकी सारे फीचर्स सेम होने वाले हैं जो कि नॉर्मल i20 में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी हो गई, ऑटोमेटिक एसी हो गया, टच इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, डिजिटल MID इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो डिजिटल हमें देखने को मिल। तो ये सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को नॉर्मली मिलने वाले हैं i20 N लाइन वर्जन में। तो ये सारे फीचर्स के बारे में मैंने बात कर ली, जो जो डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं यार इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन के बारे में कि हमें इसमें क्या क्या इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाले हैं। तो यार यहाँ पे गाड़ी सिर्फ और सिर्फ एक इंजन ऑप्शन में हमारे पास आने वाली है जो कि होने वाला है 1.0 का टर्बोचार्ज इंजन जो कि प्रोड्यूस करेगा 120
BHP की पावर एंड 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो यार ये गाड़ी की कुछ इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात होगी। ट्रांसमिशन की अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ IMT एंड DCT में हमें देखने को मिलने वाली है। मैनुअल का कोई ऑप्शन इस गाड़ी में हमें नहीं मिलेगा, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट कोई बात नहीं, IMT एंड DCT में हमें ये गाड़ी देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे हमें सेफ्टी भी ठीक ठाक देखने को मिलने वाली है I20 N-Line वर्जन में। जैसे कि हमें यहाँ पे 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, ABS विद EBD देखने को मिल जाएगा, 4 टायर्स में हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलने वाले हैं, ESP हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एंड हिल होल्ड भी हमें यहाँ पे गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। बाकी सारे फीचर्स स्टैंडर्ड जो है वो हमें ऑलरेडी इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। तो सेफ्टी वाइज भी काफी कमाल की होने वाली है ये I20 N-Line वर्जन। तो गाइज अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में कि इस गाड़ी का प्राइस क्या होने वाला। तो देखो यार, ऑफिशियली यहाँ पे कोई अभी कंफर्मेशन नहीं है प्राइस के बारे में, प्राइस अभी रिवील नहीं किया गया है Hyundai की तरफ से, बट यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड है कि ये गाड़ी ऑन एन एवरेज 12 लाख में हमें देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की बुकिंग के बारे में। तो देखो यार, I20 ने इस गाड़ी को पूरी तरह से रिवील कर दिया है। ये गाड़ी और मतलब काफ़ी जगह पे देखने को मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी ऑलरेडी डाल दिए, बट यहाँ पे इसकी जो बुकिंग है वो 2nd of September से हमें करने को मिल जाएगी, मतलब सेप्टेम्बर की मंथ से ये गाड़ी ऑन सेल जाने वाली है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये जो गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर शोरूम्स में देखने को मिलेगी, सिग्नेचर आउटलेट्स में देखने को मिलेगी Hyundai की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। तो भाई लोग यार, यही थी आज की यार डिटेल वीडियो Hyundai I20 N-Line के ऊपर। होप करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, इस वीडियो को देखने के लिए और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।